हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आयोग के द्वारा नोटिस जारी की गई है कि आरओ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अब आरओ का एग्ज़ाम आने वाले 6 महीनों में होगा। और दोस्तों, इससे भी बड़ी दुविधा हम लोगों की ये है कि पीसीएस का एग्ज़ाम जो 17 मार्च को संभावित है, वो होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, वो होगा या नहीं होगा, हमें इस समय इन सब चीज़ों को छोड़ देना है। हमें अपनी तैयारी, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए, 17 मार्च को मान करके ही हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए सबसे उचित यही रहेगा, सबसे सटीक यही रहेगा कि हम लोग सब चीज़ों को भुला करके, कोई भी इधर उधर की बातों पे ना ध्यान दे करके, ना ही कोई वीडियो को इधर उधर ध्यान दे करके हम लोग सर्च मार रहे हैं कि कब होगा एग्ज़ाम, कब नहीं होगा एग्ज़ाम, 17 मार्च को होगा कि नहीं होगा, कि कब होगा। दोस्तों, जब भी होगा पता चल जाएगा। और अगर इन सब चीज़ों में हम लोग अपना समय वेस्ट करते हैं और एग्ज़ाम बाई द वे अगर 17 मार्च को होता है, तो नुकसान किसका होगा? अंततः हम ही लोगों का होगा। तो इससे बढ़िया इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम लोग अपनी तैयारी 17 मार्च को ही मान करके करते हैं। मान लीजिए सब लोग कह रहे हैं कि 99% उम्मीद है 17 मार्च को कैंसिल हो जाएगा। हो जाता है कैंसिल, मान लेते हैं। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हम तैयारी अपनी कर ही रहे हैं और तैयारी हमको करनी ही करनी है। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमारा जो हम लोग हर 5 मिनट में, हर आधे घंटे में जो वीडियो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्या होगा क्या नहीं, उससे क्या मिलना है कि नहीं? चिंता वाकी कीजिए, जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो जब होनी होनी ही है तो हमें चिंता काहे बात की? हम क्यों यूट्यूब पे बार बार सर्च कर रहे हैं कि ये होना है, ये होना है, ये कब होगा, ये कब होगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए दोस्तों, हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है। तैयारी आप लोग जारी रखिए। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है कैंसिल होने की तो ठीक है, नहीं होती है तो भी ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और जीएस वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है फुल जीएस की प्रिपरेशन कराते हैं और इस समय प्रैक्टिस सेट चल रहा है आरओ और पीसीएस को लेकर के, जो कि दोस्तों उसमें किसी भी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं होती है। चारों ऑप्शन को कवर कराया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, मैपिंग के साथ कवर कराया जाता है, फुल डिटेलिंग के साथ कवर कराया जाता है। जैसा कि हम सभी लोग और कोचिंग्स की जो वीडियोस देखते हैं और जितने भी जो भी वीडियोस देखते होंगे, उसमें क्या होता है, टीचर क्वेश्चन तो स्क्रीन के सामने पढ़ते हैं, लेकिन जब वो आंसर पढ़ते हैं तो स्क्रीन से छुप करके पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीछे आंसर दिया होता है केवल वो वही देख करके पढ़ देते हैं, बस ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई कुछ। अगर उसमें कुछ गलत आंसर लिखा हुआ है तो वो गलत ही बता देते हैं, उसका कुछ नहीं करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा या आप लोग भी जरा सा इधर उधर देख करके बताइएगा, है कि नहीं? उसमें जो भी गलतियां होती हैं वो सब बता देते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर चूंकि दोस्तों खुद तैयारी करने वाले भी लोग हैं, इसलिए वो खुद के प्रति भी सचेत हैं, जागरूक हैं कि अगर वो ऐसा पढ़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इधर उधर से छानबीन करके लोग अपना यूट्यूब, अपना गूगल वगैरह से, हर जगह से देख करके जब सटीक होता है तो देते हैं जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।